इस रूम में भी फैन चला दिए ताकि कपड़े जो है ना अच्छे से सूख जाए, चादरें वगैरह जो भी थी। बाकी टीवी लाउंज में भी अभी पंखा चला है, पहले कूलर चला हुआ था, तो मैंने सारे के सारे जो है ना कपड़े फैला दिए ताकि अच्छे से जो है ना ये सूख जाए सुबह तक, इनको ना फिर लपेट के रखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे सब उम्मीद करता हूं खैर आप सब। यहां पे चाय बन चुकी है और इधर से हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं। और भाई ये रहा हमारा पराठा, तो नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है। सुनहरा के लिए बनेगी चूरी, क्योंकि कह रही है मुझे सालन नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर मैंने कहा चूरी खा लो। और दुआ के लिए एग बॉयल, बाकी सब का थोड़ा 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 सब ने नाश्ता कर लिया, बाकी मैं और मेरी सास रह गए क्योंकि मुझे अभी एक रोटी बनानी थी। और उन्होंने भी नैना के बेबी को नहलाया वगैरह है और अब वो भी नाश्ता कर रही है। नाश्ता करने के बाद हम अपने कपड़े समेटेंगे, फिर घर की सफाई शुरू करेंगे। इधर जो है ना आज मेरी सास ने बड़ा कप चाय कर लिया कि चाय में मैंने कुछ मिलाया है, पियोगे तो पता चलेगा क्या मिलाया। तावीज तावीज है आज हमारे चाय में, तावीज है और साथ में उबले हुए अंडे भी है। ये देखें ये जालिम सास, इसने तावीज मैंने कुछ किया है जू, आज सबको पता चलेगा, या पता चले सबके सब सारे रात वॉशरूम में। इधर मुझे भूख लगी तो कल वाले राइस पड़े थे तो वो गर्म किए, वो खा रही हूँ अभी। दुआ सोई हुई है, जब उठेगी तो फिर कोई वीडियो वगैरह शूट करेंगे। पहले वो लोग घर पे नहीं थे तो मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई, अभी जो है ना रात में बनाऊँगी। अभी जब से मेरी बेटी ने लिया है ना, वह टाइम ही नहीं लग रहा था कि इसकी सेटिंग करें, तो मैं ये डब्बा लेके आई हूँ, एक और भी है। हम सब जो है ना चीज़ें इसमें डालते, रुको 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 मैं करवाती हूँ, रुक जाओ। पहले इसमें बॉल नहीं, इसमें चीज़ें नहीं डालनी, इनमें ज्वेलरी डालनी है, रुक जाओ। इसमें मैंने इसके चूड़ियाँ वगैरह थी और कुछ पोनीस थी, ब्रश था वो इसमें रख दिया, और छोटी छोटी ज्वेलरी जो थी वो इसमें रख दी, और इसका बैग है नीचे से सफाई वगैरह करती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें इसकी रखते हैं। पहले ना मैडम हर चीज़ अपनी जो है ना घूम कर देती थी और जल्दी ख़त्म कर, इस दफ़ा ये अब रमज़ान के फौरन बाद या रमज़ान में शायद ये गई थी अपने पापा के साथ लेकर आई है, सारे बच्चों ने गुम कर दी अपनी, खेल ली सारा कुछ। और ये देखें ये भी अब तक इसने छुपाए, अब है ना मेरी बेटी बड़ी होगी अपनी चीज़ें संभाल के रखने लगी। और गुल्लक तो भाई अभी पड़ा हुआ है ना, हमने इससे भी तोड़ लिया। हाँ ये छोटी सी चाबी, इसका ताला कर। अच्छा पहले सफाई करो फिर देखते हैं, चलो 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 अच्छे से सफाई करो। सफाई चल रही है मैडम की, वो कोने में देखो चलो जल्दी से साफ करो, फिर आप चीजें ना बना के रखो ताकि स्पेस हो जाए। पूरी ड्रॉ में चीजें ना इतनी फैली हुई थी कि जगह भी नहीं थी, अब ये डब्बों में आ गई है ना तो अब काफी इसमें स्पेस आ जाएगी। चलो अब इसकी गुल्लक आ गई, एक सेकेंड इसको तो निकालो, पहले गुल्लक आएगी। चलो रखो गुल्लक आराम से, गुल्लक को भी साथ वो फिर से हो जाएगा, रखो तो सही एक सेकेंड। ये मिट्टी ऐसे उतरती रहती है। चलो अब ये वाला डब्बा वहाँ पे रखो इसके ऊपर, ठीक है। अब छोटू डब्बा वहाँ उस साइड से रखो, नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, वहाँ पे उधर उधर रखो, उसके ऊपर ऊपर रखो जान, ऊपर रखो, वो जगह बचानी है ना, स्पेस करने। चलो ये वाला अपना ये देखो आप, ये इसको इधर रखो, ये इधर रखो, ये पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा ये इधर आ गया, अब इनको बांधो और इनको इसके अंदर, नहीं सूख जाएगी, इसके अंदर रखो, बांधो आप, बांधो मुझे नहीं आता ना। चलो अब इधर ऐसे आराम से, चलो अब ये दुआ का बैग रखो इधर सामने रख लो, आपका बैग का ये भी इसके अंदर, और ये वाली भी इसके अंदर रखो, ये इसके अंदर रखो, और ये स्टिकर भी, और ये आपका बैग भी। चलो नहीं इधर नहीं, इधर खराब हो जाएगा, उधर ऊपर उस बैग के डब्बे के ऊपर कोने में, बिल्कुल। अब ये छोटा बैग इसके ऊपर रखो, चलो अब पीछे करो थोड़ा सा सेट करो। चलो भाई अब देखिए इसमें, अभी तो मैंने आपको अपने एयररिंग्स भी दिखाए, आज ये गई थी पापा के साथ, और ये मेहंदी। अच्छे भाई मेहंदी भी, दर्द हुआ था फादिया, रोई थी आप? बिल्कुल भी नहीं रोई थी। इसको इधर, वाओ फिर तो बहुत अच्छी बच्ची हो, इधर से दिखाओ, यहाँ से भी दोनों की। और ये दुआ रोई थी? हाँ। जी बोलते हो, और अभी तो ये वाला कब भी बच्ची, देखो अब कितनी स्पेस बच गई खाली होगी। इसको इसको उठाओ पहले ऊपर, इसको उठाओ, इसको हाँ उठाओ, बाहर निकालो एक सेकंड,
अब इसके ऊपर रखो, देखो। मम्मा जी, अभी भी मुझे जगह बनानी है। किस चीज के लिए? अभी इधर भी रख रहे हैं। हाँ तो और सामान लेंगे, इधर रखेंगे ना, इतनी ऐसे स्पेस खाली होती है अपनी, साफ साफ हो, देखो आराम से ना अपनी चीजें निकाल सकती। पहले एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी, सारी टूट भी रही थी। हाँ। चलो अब ठीक हो गया। हाँ चलो इसको भी रखो, ये सामने रख दो यहाँ। चलो इसको सामने, ठीक है। मुझे और मुझे चीज लेके आऊंगी। चलो ठीक है, अभी तो एक और भी चीज बची। अच्छा ये तो दुआ का है, तो दुआ के खेलने की तो मैं उठा दूंगी। नहीं उठा के देती आप, मुझे पता है ना आपका। चलो ठीक है आ जाओ, ये ऐसे वो इधर लग गया। और ये देखो ये चला के देखो। और इधर जो है ना मैंने ये टेबल और चेयर जिस दिन से रखे ना, तो फादिया को मैं इसी पर ही खाना देती हूँ कि अब इसकी आदत बन गई टेबल पर बैठकर खाना खाने की। और अपना बैग भी यहाँ टेबल पर रखती है। हमारा रूम क्योंकि काफ़ी खुला खुला हो चुका है, तो अब इस पर ही बैठ कर खाना खाती है। इधर जो है ना रात के टाइम इस बेचारी के साथ प्रैंक हो गया। उन लोगों ने बर्गर वगैरह लिए थे और फ्राइज, तो क्या हुआ फादिया? ये जो मीर ने कचरा किया था वो ही पड़ो। सॉरी मुझे नहीं था पता कि इसमें कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, दुआ आपको क्या हुआ? मुझे नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या लगा है। बस एक थोड़ा सा पढ़ाई खा लेता हूँ बस। ये मीर के माउथ वाला है। मुझे भूख लगी अभी। दुआ आपको भूख लगी है? नहीं लगी, इसे तो कभी भूख लगती नहीं है ना। अब क्या किया जाए, सोया जाए? कप में दूध बना दो। कोको मार के खत्म हो गए, वो फ्लो खत्म हो गया बिस्किट जो था। मम्मा भूख लगी, अब क्या करूं मैं? अब सो जाओ आप। नहीं मुझे भूख लगी टेस्ट की, अब क्या करूंगी मैं? दिखा रही हो? ये देखा है, ये पूरा हमजा की मम्मा का बेबी लग रहा है। ये देखिए भी, ये है हमजा की मम्मा का बेबी, मतलब मूसा। मूसा ऐसा है। चलो ठीक है, हमने इसकी वॉइस बंद की हुई है क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग है, तो ये आज भी मूसा का फेस रिवील हो चुका है। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं दिखा सकते पर वीडियो में दिखा सकते। अपनी वीडियो में बेबी का फेस रिवील करेगा पक्का। कहा तो था, पता नहीं। फ्राइज टेस्ट, बुरी बात है, आपने सारा उसका कैच लिया। चलो जी, मैं अपनी वीडियो का यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके अलावा छोटी सी एक्टिविटी थी, मेरी तबीयत दो दिन से ना ठीक नहीं थी, तो व्लॉग भी इतना नहीं बना पाई मैं कोई भी। और मेरी वीडियो क्यों प्राइवेट हुई, चाचू ने सुबह वो लगाया, मैंने अभी तक उनकी वीडियो नहीं देखी। लेकिन मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपने क्यों की थी, आपकी सास ने कहा था। भाई नहीं, मेरे पास अभी भी प्रूफ पड़े हुए हैं। असल में मैंने उसमें जो एक बात की थी ना, उसकी वजह से काफ़ी जो है ना मेरे इतने चाहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने मुझे रिपोर्टें कर दी थी। तो मैं वीडियो डाल के सो गई, जैसे उठी तो वो देखा मेरे पास स्क्रीनशॉट आए होते कि आपकी वीडियो में कोई मसला है चेक करें। फिर जब चेक की तो पता चला रिपोर्ट्स लगी हुई है। फिर मैंने उसको प्राइवेट की, फिर उसमें 10 सेकंड की कोई बात थी, मैंने वो हटाई है। फिर उसके बाद जाके फिर मैंने इसे दोबारा मैंने अपलोड कर दी। अगर ऐसा होता कि मैं वीडियो बिल्कुल प्राइवेट कर देती तो फिर मैं अपलोड ही ना करती, ठीक है। उसमें कोई बात ऐसी थी जो कि यूट्यूब के ख़िलाफ़ थी, इस वजह से वीडियो मैंने प्राइवेट की थी। बाबर भाई ने कहा पहले से प्राइवेट करो, इसमें देखो क्या है, कोई तुमने ऐसी चीज़ रखी हो, जैसे कुछ भी हो सकता है। मैंने करी, फिर मुझे याद है मेरे को शायद यही बात है। फिर मैंने जब उसे किया तो जाके देखी वही बात थी, उसको कट की, फिर से अपलोड की और फिर से मैंने कर दिया। तो ऐसा